सिक्किम में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हो गए हैं। सेना के अधिकारी के मुताबिक घटना जेमा उत्तरी सिक्किम में हुई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का ही हिस्सा था, जो चटन से सुबह थूंग के लिए बढ़ा था। PRO डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत के मुताबिक जेमा के रास्ते में वाहन एक तीखे मोड़ पर एक खड़ी ढलान पर फिसल गया। एक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, जिसके बाद 4 घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला गया। इसमें दुर्भाग्यवश 3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में लगी चोट के कारण अपना दम तोड़ दिया। इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्किम में एक सड़क हादसे से दुर्घटना हुए में भारतीय सेना के वीर जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि मृतकों के परिवारों के प्रति मेरा संवेदना है, मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सड़क हादसे में अपना दुख जताया है, जहां PM मोदी ने कहा कि शोक संपन्न परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों की जान जाने का मुझे गहरा दुख है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी रहेगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, घायलों के शीघ्र ठीक होने की मैं प्रार्थना करता हूँ। वहीं अमित शाह ने भी जवानों की मौत पर दुख जताया है, जहां उन्होंने ये कहा कि घायलों को इलाज के लिए हर संभव सहायता मुहैया कराई जाए। वहीं उन्होंने ट्वीट करके सिक्किम में हुए सड़क दुर्घटना में हमारी सेना के बहादुर जवानों की मौत के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा लिखा है। वहीं उन्होंने लिखा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति हृदय संवेदना व्यक्त करता हूँ, घायलों को हर संभव सहायता प्रदान की गई है, उन्हें जल्द से ठीक किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सेना के 3 वाहन सुबह जवानों को लेकर जा रहे थे। ये काफिला चटन से थूंग की ओर जा रहा था। जेमा के रास्ते में एक वाहन का चालक अचानक मोड़ पर खड़ी ढलान की वजह से संतुलन खो बैठा और वाहन नीचे खाई में गिरा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस अफसर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।